हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट गुरु। और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज हमें आपसे डिस्कस करना है होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, टूरिज्म के रिगार्डिंग, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या एक इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है आपस में, इन तीन चीज़ों में होता क्या है और ये हम टूरिज्म में पढ़ते क्यों हैं। तो अगर मैं बात करूं टूरिज्म की, तो सबसे पहले टूरिज्म की डेफिनेशन जान लेते हैं कि टूरिज्म है क्या चीज़। बिफोर वी स्टडी दीज थ्री थिंग्स, लेट स्टडी व्हाट इज़ टूरिज्म। तो टूरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम बोले तो ट्रैवलर, जो टूरिस्ट है, वो अपने घर से मिनिमम 24 आवर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर तक ट्रैवल करता है, और जो जहाँ वो ट्रैवल करता है वो अदर सर्विसेज टूरिज्म की लेता है। तो एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे टूरिस्ट अपने घर से मिनिमम 24 आवर्स और मैक्सिमम 1 ईयर तक जो है ट्रैवल करता है, घर से बाहर रहता है, तो उस फिनोमिनन को हम कहते हैं टूरिज्म। और ये टूरिज्म है, ये टेम्पररी फिनोमिनन है। टेम्पररी बोले तो ये परमानेंट नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही टूरिज्म में आपका एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, चाहे वो हॉलीडे हो, चाहे वो साइट सीइंग हो, या चाहे वो किसी भी तरह का टूरिज़्म क्यों ना हो। तो अब हम बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है हमारा, इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी ना एक साइंस है, एक स्टडी है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स हैं, या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगीज, जो मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर्स पे जो अटैक करते हैं। तो एक ऐसी स्टडी जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते कैसे, कैसे सस्टेन करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में स्पीशीज से, उसको हम उस स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। और रही बात इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम एक ऐसा फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स है जो कि एनवायरनमेंट में एक साथ में एक से मिलकर रह रहे हैं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो मैंने आपको बता दिया पहले, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपके बैक्टीरियाज हैं। बट अगर मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ या केमिकल कंपोनेंट्स की बात करूँ, जैसे कि आपका सॉइल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर हो गया, आपका ह्यूमिडिटी हो गया, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं, सनलाइट हो गया, ये जो चीज़ें केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए मदद करते हैं, वो होते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो इकोसिस्टम है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक मैंने बता दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एबायोटिक बोले तो आपका केमिकल कंपोनेंट्स। और लास्ट में बताता हूँ आपको, जो इकोसिस्टम के अलावा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनवायरनमेंट। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं या चाहे वो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, इन ये जो आपस में इंट्रैक्शन करके जो आपस में रहते हैं मिलजुल के, जिस माहौल में वो रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, वो हमारा हो जाता है इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारा जो आज के डेट में हम जो कहते हैं नॉर्मल, अगर हम बात करें टूरिज्म में ही नहीं, किसी एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इन्वायरमेंट, कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में बड़ा होता है वैसा ही वो सीखता है। तो इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली द माहौल जहाँ पे हम लोग रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ आपस में इंट्रैक्शन करती हैं, जिस नेचर में वो इंट्रैक्शन करती हैं, उस इंट्रैक्शन को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जिस उस माहौल को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये मिसकंसेप्शंस हैं कि लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड आपका इन्वायरमेंट, इसमें कहीं ना कहीं डाउट रहता है आप सबको। तो ये जो डाउट है, ये आज के बाद आई थिंक आपको नहीं रहेगा ये डाउट। इस डाउट को क्लियर करने के बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे कि जैसे केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको फर्दर स्टडी करेंगे, या फिजिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे उनको स्टडी करेंगे, तो वो हम अगले आने वाले चैनल, आने वाले वीडियोज़ में हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमने जो आपसे डिस्कस किया वो तीन चीज़ें डिस्कस करी। एक तो हल्का सा टूरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी हमने,
दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी आप बताई आपको या मैंने समझाई आपको वो है आपका इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड आपका इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं इकोलॉजी या इकोसिस्टम, इको मीन्स फ्रेंडली, द वर्ड इको, इको इको वर्ड जो होता है मीन्स इको फ्रेंडली से कहते हैं हम, कि बिना किसी चीज़ को हार्म किए जो आप प्रैक्टिसेस करते हो दैट इज नोन एज इको, चाहे वो इको टूरिज्म हो चाहे वो इको फ्रेंडली हो कोई भी हो। तो इको वर्ड जहाँ आ गया तो मीन्स फ्रेंडली, मीन्स विदाउट हार्मिंग द पर्टिकुलर पर्सन या विदाउट हार्मिंग अ पर्टिकुलर सब्सटेंस नेचर, है ना, उस वो वर्ड होता है इको। तो अब इको टूरिज्म तो मीन्स ऐसा टूरिज्म जिसमें हम इको फ्रेंडली तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक, आई होप यू इंजॉयड दिस टॉपिक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। तो कोई और आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में आपने पढ़ना हो समझना हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे। और इफ़ यू फील लाइक सब्सक्राइबिंग माई चैनल तो यू कैन गो एंड क्लिक दैट बटन, सब्सक्राइब बटन, द रेड बटन, दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल अकॉर्डिंगली सॉल्व योर क्वेरीज। किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना है समझना है मेरे से तो आप कभी भी आप अपने कमेंट्स, मेरे कमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ लिख सकते हैं और आपको मैं उस कमेंट, उस चीज़ के बारे में आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू गाइज एंड थैंक यू कैन कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।